हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन टिक्का की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे मैंने बहुत ही कम तेल में बनाकर तैयार किया है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ़ के जी चिकन पहले लिया से है, मैंने मैंने वॉश वॉश कर लिया था। अब इसमें ऐड करेंगे दही। दही का पानी मैंने पहले से निकाल लिया है। और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सभी चीज़ों को चिकन में डाल देंगे। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भी हम चिकन टिक्का बनाएं तो दही का पानी ज़रूर निकाल लें, इससे हमारी चिकन टिक्का अच्छी बनकर तैयार होती है। अब इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। यहाँ पे ये 1 टेबल स्पून है, इसे हाथों से क्रश करके डालेंगे। और 1/2 टेबल स्पून अजवाइन और थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे क्योंकि कलर अच्छा आने के लिए। और 2 टेबल स्पून ऑयल। यहाँ पे मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया है। अब ऐड करेंगे हरा धनिया। और अब इन सभी मसालों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले चिकन में अच्छी तरह से चिपक जाएं। अब यहाँ पर मैंने 2 घंटे के लिए इसे रेस्ट दिया है। आप चाहें तो तुरंत ही बना सकते हैं या ओवरनाइट फ्रिज में रख करके ही बना सकते हैं। चलिए, यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं और कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है और सारे चिकन को इसमें डाल देंगे। अभी मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई रखा है और 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे ढक के, और 5 मिनट लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, अब खोल के देख लेते हैं एक बार। हमारा चिकन एक साइड से पक चुका है। अब सारे चिकन को पलट देंगे और दूसरी साइड से पकाएंगे 5 मिनट तक लो फ्लेम पे। यह हमारा चिकन सारा पलट चुका है। अब इसे फिर से ढकेंगे और 5 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे। चिकन को दूसरी साइड से पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। हमारा चिकन पक चुका है। अब गैस पर रखेंगे 1 मिनट और उस पर सारे चिकन को ट्रांसफ़र कर लेंगे। सारे चिकन को ट्रांसफ़र करने के बाद इसे अच्छी तरह से सेकेंगे चारों तरफ घुमाते हुए नेट को, ताकि हमारी चिकन अच्छी तरह से सिक जाए। आप यहाँ पे चाहें तो कोयले पर भी सेक सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर गैस पर बना के दिखा रही हूँ। अब दूसरी साइड से पलट के सेक लेंगे सारे चिकन को, ताकि हमारी चिकन दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक जाए। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी रेसिपी। अब यहाँ पे चिकन टिक्का बनकर रेडी है, इसे प्लेट में सर्व करके दिखाते हैं। बहुत अच्छी बनी है हमारी चिकन टिक्का, और इसे नींबू के साथ, चटनी के साथ और प्याज के साथ सर्व करें। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।